आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपको जम्मू की धरोहर मुबारक मंडी में लेकर आई हूँ, जो कि रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा है। यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से कार्य जो है इसका चल रहा था, और पर्यटकों के लिए एक सुंदरता जो इसको दी जा रही थी, ताकि पर्यटक जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लें और अपने इतिहास के बारे में भी जाने कि ऐतिहासिक मुबारक मंडी आखिरकार किस तरह से नज़र आता था, उसको उसी दिशा में लाने का जो है प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और आपको बता दें कि ये कार्य जो है 2023 में खत्म होना था, लेकिन अभी तक इसका 10% ही कार्य हो पाया है। और ऐसे में ये मुबारक मंडी का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की टीम ने मुबारक मंडी का दौरा भी किया था और कार्य में देरी की जानकारी भी ली। जानकारी के अनुसार काम करने के लिए चंद मजदूरों को लगा रखा है। पुरानी अदालत के हिस्से को लोग अपने वाहन पार्क करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुबारक मंडी की 25 इमारतों में से 5 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जबकि बाकी की इमारतों के लिए 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन्हें 31 मार्च 2023 तक पूरा किया जाना था, जो कि नहीं हुआ है। ये जानकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश ताशी रैपस्टन और राजेश सेकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दी है। हालांकि इस पर सरकारी अफसरों ने आश्वासन दिया है कि काम में तेजी लाई जाएगी और साल के अंत तक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। इस आश्वासन पर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि हलफनामा दायर करे और बताए कि प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। बता दें कि 3 अप्रैल को दोनों न्यायाधीशों ने मंडलायुक्त जम्मू डीसी जम्मू की मौजूदगी में मुबारक मंडी का दौरा किया था। उन्होंने मौके पर देखा कि काम पूरा होने के समय सीमा समाप्त हो चुकी है, बहुत ही कम संख्या में मजदूरों से काम करवाया जा रहा है, जिसको बढ़ाया भी जा सकता है। लगातार पिछले 11 वर्षों से मुबारक मंडी का कार्य चल रहा था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर न्यायाधीशों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। और उसके बाद सरकारी अफसरों द्वारा ये कहा गया कि अब इसका कार्य जो है वो तेजी से करवाया जाएगा और जल्द से जल्द मुबारक मंडी की तस्वीर उसी रूप में लाई जाएगी जैसे वो इतिहास में हुआ करती थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्य को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तीव्र गति से ये कार्य जो है वो नहीं हो रहा था, काफ़ी जो इसकी गति थी वो काफ़ी धीमी थी। और अब जो है निर्देश जो जारी किए गए उसमें ये कहा गया है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि हमारी धरोहर जो है फिर से वैसी तस्वीर पकड़े जैसी कि इतिहास में इसकी तस्वीर हुआ करती थी, और उसी तस्वीर को जो है फिर से हम लोग जो है वो एक बार फिर से देख पाए। और ऐसे में सरकारी अफसरों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इस कार्य को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा या मजदूरों की जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या लाई जाएगी, ताकि जल्द से जल्द इसका कार्य हो सके। और उनका यह भी कहना है कि बहुत जल्द जो है इस कार्य को किया जाएगा, इस साल के अंत तक यह आश्वासन दिया गया है। लेकिन हालांकि ये जानने का विषय रहेगा कि आखिरकार कब तक इसका कार्य हो पाता है। ये संभव नहीं है कि इस साल के अंत तक हो सके, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है, ऐसी उम्मीद जो है वो उन्होंने जताई है। और हम भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द जो है हमें वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी पर्यटकों के लिए और जम्मू के लोगों के लिए, फिर से मुबारक मंडी जो है एक बार फिर से खूबसूरती के साथ तैयार होकर जैसे वो पहली तस्वीर में था वैसे आएगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।